टूटे हुए दिल को आप बैठकर जोड़ते हैं, टूटे हुए दिल को आप बैठकर जोड़ते हैं, प्यार मोहब्बत इश्क को छोड़ते हैं, दुनिया पैसा और हैसियत देखती है दोस्त, दुनिया पैसा और हैसियत देखती है दोस्त, आ कोई नया करियर सोचते हैं, आ कोई नया करियर सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग YouTube वीडियो में। बहुत दिनों के बाद आज हमारे चैनल पर ये वीडियो आ रहा है और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रगुजार हूं आप सभी का कि एक रोलर कोस्टर की तरह ये पूरा पिछला साल जो है, पिछला अकेडमिक ईयर जो है वो गुजरा है और आपने ढेर सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट हमारे चैनल पर दर्शाया। पिछले एक दो हफ्ते से मैं बोर्ड पेपर करेक्शन में बिजी था और इसीलिए मेंटली उतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि यूट्यूब पर मैं वीडियोज बना सकूं। इकोनॉमिक्स का पेपर करेक्शन जैसे कि हर साल मुझे आता है, तो इस साल भी वही चल रहा था और अभी फाइनली खत्म करके हमारे मॉडरेटर को हमने सब कुछ सबमिट कर दिया है। आगे उम्मीद करते हैं आप सभी के रिजल्ट एकदम जबरदस्त आएंगे। लेकिन दोस्तों, अब बात करनी है करियर की, अब बात करनी है अपने विजन की, अपने मिशन की, और आगे बढ़ना है एक नए जोशो जुनून के साथ। वैकेशन तो शुरू है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गाड़ी पटरी पर रहनी ही चाहिए, आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ने वाले ही सफलता हासिल करते हैं। और इसीलिए दोस्तों, करियर की बात बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन ये अक्सर 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद हमारे दिमाग में होता ही है। बहुत सारी बातें भी हम लोगों से सुनते हैं, कई ऑप्शंस भी हमारे सामने होते ही हैं। इनमें से कौन सा चुनना चाहिए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसकी असमंजस हमेशा स्टूडेंट के दिमाग में रहती है। और दोस्तों, आप YouTube पर बहुत सारे ढेर सारे ऐसे वीडियोस देख लेंगे जहां पर आपको करियर से रिलेटेड एडवाइस मिलती रहेगी। दोस्तों, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या चुनना चाहिए और किन हालातों में आप आगे बढ़ते हैं, ये कुछ ही लोग समझ पाते हैं, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स की जिंदगी एक्चुअल में थोड़ी सी हटके, थोड़ी सी अलग होती है। क्योंकि हम कॉमर्स के टीचर्स हैं तो हम जानते हैं और हम देख चुके हैं आप सभी को कि किस तरह से बहुत सारी जीवन की आपाधापी को झेलते हुए एक कॉमर्स स्टूडेंट आगे बढ़ता, और इसीलिए आपके लिए सही मार्गदर्शन होना जरूरी है, सही राह दिखाना जरूरी है। दोस्तों, कॉमर्स के बाद यानी 12th कॉमर्स के बाद बहुत सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शंस एक जबरदस्त फ्यूचर के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन कई ऐसे फ्यूचर्स या हम कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक करियर्स जो हैं वो अंधकार में ही रह जाते हैं और हमारे सामने वही घिसी पिटी करियर ऑप्शंस हमेशा सामने आती रहती हैं जो हमारे कई बुजुर्गों ने चुने हैं, कई बड़ों ने चुनी हैं और हम अक्सर लोगों को चुनते हुए देखते हैं। लेकिन जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ बदलना जरूरी है, नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। क्या चुनना चाहिए, बीकॉम, बैफ, बीएमएस, क्या बीबीए करना चाहिए, क्या सीए या सीएस के साथ बीकॉम करना चाहिए, ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में होंगे। और दोस्तों, इससे रिलेटेड कई वीडियोस मैं ऑलरेडी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर बना चुका हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है हाउ टू राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एचएससी बोर्ड, इसमें ढेर सारे वीडियोस हैं दोस्तों। थोड़ा सा अगर आप स्क्रोल करते हुए नीचे आएंगे ना, तो यहां पर आपको ढेर सारा खजाना मिलेगा और ज्ञान का भंडार मिलेगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस कि आप लर्न एंड अर्न कैसे कर सकते हैं। अगर आप सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप किस तरह से, कैसे उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं, रजिस्टर कैसे करना है और हमारे देश में या हमारे यहाँ पर फ्यूचर क्या है सीएस का, वो भी स्पेसिफिकली आफ्टर कोरोना क्राइसिस और 12th के बाद आपको सीएस कैसे करना चाहिए, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। बीकॉम करना है आफ्टर 12th तो सही है या गलत है डिसीजन, वो भी आपको मैंने एक वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट में थोड़ा सा जाएंगे ना, थोड़ा सा अपने खुद के लिए समय निकालेंगे ना, तो यहाँ पर ढेर सारी करियर की बातें आपको मिल जाएंगी। जी हाँ, हाउ टू बिकम अ सीए, सीए की पूरी कोर्स डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स से ही रिलेटेड करियर्स सोच रहे हैं तो कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बेसिकली ऑलरेडी कई वीडियोस मैंने करियर की बात से रिलेटेड बनाए हैं और आपके ही जो
जो स्टेज पर जो स्टूडेंट्स हैं आपके ही जैसे, उन सभी ने इन वीडियोस को बहुत प्यार भी दिया है। तो जरूर आप इस प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल पर, और आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करते हुए, कुछ थोड़ी सी मशक्कत करते हुए ये वीडियोस मिल जाएंगे। मैं इन सभी वीडियोस की लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का एजुकेशन ऑफिशियल पर डाल दूंगा, जरूर वहां से इसका फायदा उठाइएगा। दोस्तों करियर ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन जैसे तो बेसिक फील्ड्स हैं। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे बहुत ही उभरते हुए और बूस्टिंग करियर बूस्टिंग फील्ड भी अवेलेबल है। इसके अलावा कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, ये एक नया पोस्ट भी क्रिएट हो रहा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की भी जॉब आपको करनी है तो करियर इसके अंदर भी उपलब्ध है। एक्चुअरी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर यानी फाइनेंशियल एडवाइजर, ये रोल भी आप कॉमर्स के अंदर ही निभा सकते हैं एक अच्छा करियर चुनते हुए। दोस्तों आप बिजनेस करना चाहते हो, एनालिटिक्स में जाना चाहते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में करियर बनाना चाहते हो, लिबरल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हो, ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद आप ये सारी फील्ड चुन सकते हैं। लॉ में भी कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं और लॉयर बनने के लिए भी आप लॉ से रिलेटेड एग्जाम्स देकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस और अकाउंटिंग की फील्ड, मार्केटिंग की फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्रांड मैनेजमेंट और एनिमेशन जैसे भी कोर्सेस कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ढेर सारे क्वेश्चन मार्क्स जो हैं हर कॉमर्स स्टूडेंट के दिमाग में होते हैं, और इसीलिए मैं जल्द ही यानी कल 8:30 बजे लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए करियर की बात कि करना क्या चाहिए आफ्टर 12th। जी हां दोस्तों, अनअकैडमी जैसा कि आप जानते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ हम जुड़े हुए हैं और स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो इस बार अनअकैडमी पर स्पेशल लाइव क्लास लेकर आ रहा हूं मैं 19 अप्रैल 2022 यानी कल 8:30 बजे। जी हां, शाम 8:30 बजे हम करियर की बात करेंगे और चुनेंगे सही हमारे लिए। आपको क्या बेस्ट लगता है, किस तरह से गोल सेट करना चाहिए और अपनी पसंदीदा करियर को कैसे आप चुन सकते हैं बिना एक ट्रेडिशनल और पुरानी सोच के, किस तरह से आप एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट चॉइस बना सकते हैं बिना हिचकिचाहट के, ये सारी बातें हम अनअकैडमी पर करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं अनअकैडमी एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और नई नई चीजें, नए नए रिसोर्सेस आपके लिए लेकर आता रहता है। इस स्पेशल लाइव क्लास के अंदर हम आपसे करियर की बात करेंगे। जी हां, यहां करियर की बात में 12th कॉमर्स के बाद आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ये डिसाइड करेंगे। साथ ही साथ हम जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करियर चॉइसेस हैं जैसे बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीए, इसके अलावा सीए, सीएस जैसे जो फेमस चॉइसेस हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे, इन पर भी नजर डालेंगे, और साथ ही साथ हमारे लिए कौन सा बेस्ट है वो कैसे इवैल्यूएट करना है, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है इस वेकेशन में, ये सारी बातें हम अनअकैडमी पर करेंगे। जी हां दोस्तों, अनअकैडमी पर ये स्पेशल लाइव क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशल लाइव क्लास आपका करियर बना सकती है, और इसीलिए करियर के बात बाय जयेश राजगोर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कल मिलते हैं 19 अप्रैल 2022 पर @8:30 PM यानी शाम को 8:30 बजे। मस्त से एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाइएगा, ये एक फ्री क्लास है जहां पर आपको ढेर सारी नॉलेज अलग अलग फील्ड के बारे में मैं दूंगा, साथ ही साथ आपको कौन सा चुनना चाहिए, क्यों चुनना चाहिए, इसके बारे में एक फेयर डिस्कशन भी हम कर पाएंगे। दोस्तों ऑलरेडी YouTube पर फ्री वीडियोस मेरे ही चैनल पर अवेलेबल हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन ये स्पेशल लाइव क्लास आपकी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव जरूर ला सकती है, तो जरूर इस क्लास को अटेंड कीजिएगा अनअकैडमी ऐप पर, और अगर आपने इसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो आपकी मदद करेगा इस लाइव क्लास पर डायरेक्टली पहुंचने में, तो जरूर 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 स्पेशल लाइव क्लास है अनअकैडमी पर करियर की बात जयेश राजगोर के साथ, मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं कल 8:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।